नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में मानवीयता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। अज्ञात महिला 5 माह के नवजात शिशु को मैटरनिटी वार्ड के बाथरूम में छोड़कर भाग गई। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शकील खान के मुताबिक महिला बाथरूम में गई होगी, जहां उसने बच्चे को गिरा दिया। मृतक नवजात का पीएम कराते हुए ब्लड सैंपल लेकर उसे डीएनए के लिए रखा जाएगा, जिससे महिला का पता लगाया जा सके। अस्पताल प्रबंधन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से भी अज्ञात महिला का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कोई महिला पेट दर्द के इलाज के लिए आई थी, 5 माह की गर्भवती थी, उसका बच्चा घूम नहीं रहा था दो तीन दिन से, तो वो डॉक्टर को दिखाने आई थी अस्पताल। तो अस्पताल आई, टॉयलेट गई, तो वहाँ उसका बच्चा मृत अवस्था में 5 महीने का गर्भ उसका गिर गया। वो बच्चा प्राप्त हुआ था हॉस्पिटल के टॉयलेट में, हमारे कर्मचारी ने देखा, उसको ले आके हम लोगों ने एसएनसीयू में रखा, लेकिन वो बच्चा मृत अवस्था में था। और उसकी हम लोगों ने बच्चे का पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और उसकी माँ को खोजने का प्रयास कर रहे हैं हमारे सीसीटीवी में। उस महिला को देख के हम उस महिला को ढूंढ रहे हैं, उसका पता लगाते हैं। बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम, न्यूज़ आज। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।